दोस्तों मुन्ना बदनाम सॉन्ग तब से चर्चाओं में है जब से दबंग 3 का आगाज हुआ था कि ये फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। वहीं दोस्तों मुन्ना बदनाम एक आइटम सॉन्ग होने वाला है जिसको लेकर खुद सोनाक्षी सिन्हा ने खुलासा कर दिया था। वहीं दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो मुन्ना बदनाम सॉन्ग में आखिर कौन सी एक्ट्रेस आपको उस गाने पर थिरकती हुई नजर आएंगी और साथ ही ये गाना कब रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म से जुड़ी कई भी कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड बॉल न्यूज। सबसे पहले बता दें कि दबंग 3 का जो ट्रेलर है उसको लेकर लोगों में जितना एक्साइटमेंट है, वहीं मुन्ना बदनाम सॉन्ग को लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। जी हां, बता दें कि मुन्ना बदनाम सॉन्ग जिसमें आपको वरीना हुसैन नजर आएंगी। जी हां, पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि वरीना हुसैन जो कि आयुष शर्मा जो कि सलमान भाईजान के बहनोई हैं उनके साथ लव यात्री मूवी में उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था। वहीं दोस्तों अब सलमान भाईजान आइटम सॉन्ग के लिए वरीना हुसैन को चूज किया है जो कि दबंग 3 के गाने में आपको थिरकते हुए नजर आएंगी। वहीं दोस्तों आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म के इस गाने के लिए तकरीबन 4 दिनों तक मुंबई के महबूब स्टूडियो में शूटिंग हुई थी। वहीं दोस्तों इस फिल्म की जो शूटिंग की गई थी उसके लिए एक ऐसा बेहतरीन ढाबा का लोकेशन सेट किया गया था जो कि इससे पहले आपने किसी भी आइटम सॉन्ग में इस तरह का ढाबा या किसी तरह का लोकेशन कभी नहीं आपने देखा होगा। वैसे दोस्तों इस बात के लिए भी लोगों में काफी ज्यादा सेंसेशन बना हुआ है कि क्या मुन्ना बदनाम सॉन्ग पिछली जो आइटम सॉन्ग आई थी दबंग की, जैसे कि मुन्नी बदनाम सॉन्ग जिसमें मलाइका अरोरा उस गाने पे थिरकती हुई नजर आई थी, उसके बाद दबंग 2 में एक आइटम सॉन्ग आया था जिसका नाम था फेविकॉल से जिसमें करीना कपूर उस पे थिरकती हुई नजर आई थी। वहीं दोस्तों अब दबंग की तीसरी सीरीज आ रही है जिसमें मुन्ना बदनाम सॉन्ग होने वाला है जिसमें वरीना हुसैन आपको उस गाने पे थिरकती हुई नजर आएंगी। वहीं इस गाने को महबूब स्टूडियो में 4 दिनों तक इसकी शूटिंग की गई है और अगर बात कर ली जाए तो ये गाना जो है सो आपको नवंबर के सेकेंड वीक में रिलीज कर दिया जाएगा। इसका पहले छोटा सा क्लिप यानी कि छोटा सा टीजर या प्रोमो वीडियो रिलीज किया जाएगा इस गाने का। वहीं नवंबर के सेकेंड वीक में इस गाने को पूरी तरह से लॉन्च भी कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों अब देखना काफी दिलचस्प होता है कि क्या वरीना हुसैन का जो आइटम सॉन्ग आने वाला है मुन्ना बदनाम सॉन्ग जो कि दबंग 3 में दिखाया जाएगा, तो क्या ये सॉन्ग दबंग की पिछली सीरीज दबंग दबंग 2 के आइटम सॉन्ग जैसे कि मुन्नी बदनाम सॉन्ग और फेविकॉल से के रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं? आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। साथ ही दोस्तों आप लोग दबंग 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं वो भी कमेंट में अपना कमेंट जरूर करें। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, जैसे मेरे पास आई कोई भी रिपोर्ट आती है तो मैं आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आपने विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।